बच्चों जैसा कि आपको पता है हम वेक्टर एटम मॉडल को पढ़ रहे हैं टाइमिक स्पेक्ट्रा में आज का हमारा टॉपिक है स्पेस इस क्वांटाइजेशन इससे पहले आपने देखा था कि हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम की क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी हाइड्रोजन एटम की क्वांटम थ्योरी से हमको थ्री क्वांटम नंबर्स मिले थे नेचुरली अपने यहाँ पे राइज हुए थे कौन कौन से क्वांटम नंबर थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर्बिटल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और भी हम लोगों ने फील्ड मॉडल पढ़ा था बोहर मॉडल पढ़ा था तो समस्या ये आ रही थी कि फाइन स्ट्रक्चर यानी एक स्पेक्ट्रल लाइन को जब हाई रिजोल्यूशन पावर के स्पेक्ट्रोमीटर से या किसी इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व करते हैं तब एक लाइन जो है वो ग्रुप ऑफ लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट हुई दिखाई देती है उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए तो धीरे धीरे वेक्टर एटम मॉडल का बेस बन चुका है और वेक्टर एटम मॉडल को हमने लेक्चर इट उसका पहला पार्ट था एट ए उसमें हमने बताया था आपको और उसमें हमने आर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा था एटम का वैसे वेक्टर एटम मॉडल की दो बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट हैं एक तो स्पेस क्वांटाइजेशन और एक इलेक्ट्रॉन स्पिन आप देखेंगे इसके बाद में इन दोनों कॉन्सेप्ट से किस तरह से एटम का सीन चेंज हो जाता है पूरा स्पेस क्वांटाइजेशन की हम लोग आज बात करेंगे तो इसके पिछले टर्म में हमने जो पढ़ा था आर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट वहाँ से शुरुआत करते हैं आपको पता है कि कोई भी एटम को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या होगा अब एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व हो रहा है और घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक करंट लूप की तरह से बिहेव करता है और करंट लूप का क्या होगा करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल है उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी इसका मतलब है कि जो आर्बिटल में किसी आर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक डायपोल है तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा अब अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम एटम को रख दें तो एटम की जो आर्बिट होती हैं वो उस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड प्रेसेस करने लगती हैं और उस प्रसेस के दौरान एक कोन बनता है जैसे यहाँ पर हमने दिखाया है कि जो जेड एक्सिस है उसके अराउंड उसके एलॉग है मैग्नेटिक फील्ड भी और जो हमने एटम रखा है एटम की आर्बिट है इधर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा था ए ई इलेक्ट्रॉन बना है एरो का मतलब ये डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा है तब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी मोमेंटम की राइट हैंड रूल से ए मास आर्टिकल की जिधर डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर एल अब एल ए प्रोसेस करेगा और जब इसके चारों तरफ प्रोसेस करेगा तब ये यहाँ पर क्या बनाएगा कौन बनाएगा इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर एक कौन बनाएगा भैन एन एटम इज़ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट प्रोसेस द इलेक्ट्रॉनिटर मोमेंटम ओके फील्ड बी एलॉन्ग द जेड एक्सिस द कंपोनेंट ऑफ एल पैल टू द फील्ड डायरेक्शन है एल होता किधर है इस प्लेन में मोशन हो रही है ओके okay? इसके परपेंडिकुलर एल है और फील्ड इधर को है बी ए अगर एंगल थीटा है तो एल का अगर कंपोनेंट हम फील्ड डायरेक्शन में लें तो क्या होगा एल जेड इक्वल टू एल कास थीटा एल जेड अगर इस कंपोनेंट को हम एल के जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट को एल जेड माने तो एल जेड इक्वल टू कास थीटा अच्छा हाइड्रोजन एटम की क्वांटम मैकेनिक्स हमने आपको इसीलिए पहले पढ़ा दिया कि क्वांटम मैकेनिक्स हाइड्रोजन एटम में क्या पाया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड क्वांटाइज्ड होता है वो कितना होता है रूट एल एल प्लस वन एच ए टू पाई जहाँ एल क्या होता है आर्बिटल क्वांटम नंबर और उसका जो जेड कंपोनेंट है मीन्स डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम भी क्वान्टाइज होती है वो है येमएल एच अपान टू पाई बिल्कुल और बिल्कुल बोहर का जो क्वांटम कंडीशन थी एंगुलर मोमेंटम की वही है एन एच अपान टू पाई एच अपान टू पाई अब ए है क्वांटम नंबर एक अब एच एपान टू पाई या दूसरी क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है एम एल डायरेक्शन को क्वांटाइज करती है डायरेक्शन को फिक्स करती है एंड एल इज़ द क्वांटम नंबर है मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम का फिक्स करती है ठीक है तो अब हम आगे बढ़ते हैं हेंस एंगल थीटा बिटवीन एल एंड द जेड एक्सिस तो एल जेड इजुगल टू एल थीटा हो गया तो कास् थीटा इजल टू एल जेड अपान एल और क्वांटम मैकेनिक से एल जेड इजुगल टू क्या है एम एल एच टू पाई और एल इजुगल टू क्या है अंडर रूड एल एल प्लस वन एच टू पाई एच टू पाई एच टू पाई, पाई, पाई कैंसिल आउट तो एम एल अपान अंडर एल एल प्लस वन ए कास्थ थीटा कास् थीटा क्या है थीटा इज द एंगल बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एल एंड फील्ड डायरेक्शन और जेड एक्सिस सिंस फॉर ए गिवेन एल अब जो हमने क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम की थी वहाँ पर एम एल की क्या वैल्यूज आई थी माइनस एल से प्लस तक l तक इंक्लूडिंग जीरो गिवेन एल के लिए देयर आर 2l प्लस वन पासबल वैल्यूज ऑफ एम एल टूएल्व प्लस वन क्यों क्योंकि माइनस एल से प्लस एल तक और इंक्लूडिंग क्या होगा जीरो तो टू एल्व प्लस वन हो जाएगा यानी जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड कहाँ तक प्लस माइनस एल तक द एंगल थीटा कैन एज्यूम टू एल्व प्लस वन डिस्क्रीट वैल्यूज अगर एम एल की टूएल्व प्लस वन वैल्यूज हैं जहाँ एल क्या है आर्बिटल क्वान्टम नंबर तो कास्थीटा या थीटा की भी टूवल्व प्लस वन वैल्यूज होंगी दैट इज एंगर मोमेंटम वैक्टर एल कैन हैव टू एल्व प्लस वन डिस्क्रीट ओरियनटेश विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड ओके इसका मतलब ये है कि जो ये यल है हमारा ये अभी थीटा एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड जो आपने एक्सटर्नल लगाई है तो ये जो थीटा है इसकी फिक्स वैल्यूज हैं और थीटा किस चीज़ को शो कर रहा है देखिए ये आपकी जो है आर्बिटल है आर्बिटल के प्लेन के परपेंडिकुलर है अगर आर्बिटल थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाए तो ये एल जो है वो इधर आ जाएगा ओके और थीटा बढ़ जाएगा अगर ये जो है हमारा जो आर्बिटल का प्लेन है वो ऐसा हो जाएगा तो थीटा और चेंज बढ़ जाएगा और बाई चांस ये जो हमारा आर्बिटल है वो ऐसा हो जाए तो उस पर प्लेन जो है परपेंडिकुलर यानी एंगुलर मोमेंटम यहाँ आ जाएगा थीटा और कम हो जाएगा तो अगर थीटा की डेफिनिट वैल्यू है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन किसी एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में रिवॉल्व हो रहा है तो ये डेफिनिट ओरिएंटेशन कुछ फिक्स ही होंगे सारे ओरिएंटेशन नहीं हो सकते जैसा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में तो कोई भी ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो सकता है जैसे थ्री डायमेंशन है तो थ्री डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट किधर को भी ओरिएंट हो सकती है लेकिन यहाँ थीटा की डेफिनेट वैल्यूज हैं दिस क्वांटाइज दस क्वांटाइजेशन ऑफ ओरिएंटेशंस ऑफ एटम्स इन स्पेस इज नोन एज स्पेस क्वांटाइजेशन इसी को हम कहते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन ठीक है स्पेस में ओरिएंटेशन जो हैं सारे पॉसिबल नहीं हैं कुछ डेफिनेट ओरिएंटेशन ही पॉसिबल हैं ठीक जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं मान लिया इक्वल टू टू के लिए देखें आर्बिटल क्वांटम नंबर है इक्वल टू टू इसके लिए कितने ओरिएंटेशन हो सकते हैं हिंदी में कहें तो झुकाव या अभिविन्यास कैपिटल एल इक्वल टू अंडर रूट एल एल प्लस वन एच ए टू पाई अंडर रूट एल एल प्लस वन क्या हो जाएगा अंडर रूट सिक्स एच ए टू पाई अब एम एल की वैल्यू क्या हो जाएगी एल के लिए जीरो प्ल, प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू यानी फाइव वैल्यूज क्या कौन सी फाइव वैल्यूज हो जाएंगी प्लस वन प्लस टू जीरो माइनस वन माइनस टू तो एल जुक्ल टू क्या होगा एम एल एच पॉइंट टू पाई तो जीरो के लिए जीरो हो जाएगा प्लस माइनस वन के लिए प्लस माइनस वन अब एच एपॉन टू पाई प्लस माइनस टू के लिए प्लस माइनस टू एच ए टू पाई एम एल तो कास् थीटा क्या है कास् थीटा आपने देखा है एम एल अपान अंडर रूट एल एल प्लस वन तो एम एल क्या है पहला जीरो तो वो तो जीरो ही हो जाएगा फिर दूसरी वैल्यू देख लीजिए प्लस माइनस एच ए टू पाई और अपान अंडर रूट एल एल प्लस वन तो हो जाएगा हमारा प्लस माइनस एच अपान प्लस माइनस वन बाई अंडर रूट सिक्स फिर प्लस माइनस टू अपान अंडर रूट सिक्स तो इस तरह से कास थीटा की थ्री वैल्यूज जा आ जाएंगे एम एल और अंडर रूट एल प्लस वेल की वैल्यू पुट करेंगे तो कास थीटा की ये जीरो प्लस माइनस वन बाई अंडर रूट सिक्स प्लस माइनस टू बाई अंडर रूट सिक्स टोटल कितनी वैल्यूज आ गई टोटल वैल्यूज आई हैं यहाँ पे वो हैं सिक्स फाइव 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 सिक्स नहीं फाइव अब बच्चों आगे देखें इसी को हम तो कास थीटा इज इक्वल टू हमने फाइव वैल्यू को एक्सपेंड करके लिख लिया टू अपॉन अंडर रूट सिक्स वन बाय अंडर रूट सिक्स जीरो माइनस वन बाई अंडर रूट सिक्स माइनस टू बाई अंडर रूट सिक्स इस तरह से कितनी वैल्यूज हो गई हैं फाइव वैल्यूज होंगे अब इनको सॉल्व कर लीजिए मैथमेटिकल तो जीरो पॉइंट जीरो का जीरो इसको सॉल्व करें माइनस जीरो पॉइंट फोर वन माइनस जीरो पॉइंट एट वन सिक्स अब इनको अगर हम कास थीटा की जो टेबल है ट्राइगनोमेट्रिक उससे वैल्यूज देखा थर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी सिक्स डिग्री नाइन्टी डिग्री वन वन फोर वन फोर फाइव तो इतने केवल ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं इतनी डिग्री पर जेड एक्सिस से वन टू थ्री फोर फाइव तो अगर हम ये फिगर बनाए जैसे हमने बनाया है यहाँ पर इसको देखें बच्चों कि अगर जेड एक्सिस है इधर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो एम एल की कितनी वैल्यूज हैं फाइव और कितने कितने पर हैं पहली वैल्यू थर्टी फाइव पर हो गई तो ए थर्टी फाइव पर एम एल की वैल्यू टू इसके करस्पांडिंग हमने जो वैल्यू निकाली है थीटा की वो आई कितनी है हमारी थर्टी फाइव एंड एम एल एच ए टू पाई टू एच टू पाई एम एल टू इसके करेस्पांडिंग हमने जो थीटा की वैल्यू निकाली वो कितनी आई सिक्सटी सिक्स अब इसके करस्पांडिंग जो वैल्यू आई है हमारी कास थीटा की वो कितनी आई है एच अपान टू पाई इसी तरह से आप देखते जाइए कि फाइव वैल्यूज हमें फ़ाइव ओरिएंटेशन पे मिल रही हैं यानी एक यहाँ पे ओरिएंटेशन होगा थर्टी फाइव डिग्री पे एक ओरिएंटेशन सिक्सटी सिक्स डिग्री पे एक ओरिएंटेशन फिर एंगल ऐसे बढ़ते जाएंगे जेड एक्सिस से यहाँ तक फाइव ओरिएंटेशन हो गए तो सारे ओरिएंटेशन पॉसिबल ना हो करके कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल होंगे फाइव ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि जो एंगल तो हमारा बन रहा है लेकिन एंगल के परपेंडिकुलर आर्बिट होगी जैसे एथाइल ये हमारा एल है तो ए bit है अब अगर ए bit पॉसिबल है तो उसका एल हो जाएगा ए एक ऐसे ओरिएंटेशन पॉसिबल है तो उसके कर परपेंडिकुलर एल हो जाएगा अब अब एक ओरिएंटेशन अगर कुछ इस तरह से पॉसिबल है तो उसके परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन इधर को हो जाएगा एल तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी आर्बिट हैं उनके सारे ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं अब कुछ ओरिएंटेशन जैसे हम थ्री ओरिएंटेशन बना रहे हैं तो इतने तरीकों से ही रिवाल्व हो सकता है थ्री में एक बाल आप थ्री सोच लीजिए और उसके चारों तरफ से तीन तरीक़े मान लिया हैं तो यहाँ थ्री ओरिएंटेशन है इन तरीकों से ही केवल इलेक्ट्रॉन रिवाल्व हो सकता है आर्बिट में और तरीक़े नहीं हैं जैसे कि बोर का तो टू डायमेंसनल है ना अब बोर तो ऐसे ऐसे सर्किल बना दे रहे हैं तो ये हो गई हमारी आर्बिट हो गई लेकिन यहाँ थ्री डायमेंशनल होगा क्योंकि एटम तो थ्री डी स्फेयर है सर्किल नहीं है एटम तो वहाँ पर कौन कौन से ओरिएंटेशंस होंगे आर्बिट के तो ये हमको देता है स्पेस क्वांटाइजेशन अच्छा एक बात और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है देख लें कि यल कैन नेबर वी अलाइंड एग्जैक्टली पैल आर एंटी पैरल टू बी सिंस एम एल इज आलवेज स्माल देन अंडर रूट एल एल प्लस वन और एच अपान टू पाई यल जो है एंगुलर मोमेंटम वेक्टर वो कभी भी बी के पैरेलल या एंट्री पैरेलल नहीं हो सकता है क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा इससे कम होगी तो कास् थीटा हमेशा कम ही आ जाएगा अगर कास् थीटा कितना आ जाए कास्ट थीटा की वैल्यू अगर आ जाए 90 डिग्री तब तो ऐसा पॉसिबल है यहाँ पे आप देखिए कि जो एग्जैक्ट पासविल हो जाए एम एल इधर को ऐसा नहीं पासविल है क्यों कास्ट थीटा की वैल्यू वहाँ पर नाइन्टी आनी चाहिए ऐसा पासबल नहीं है कास्त थीटा इज इक्वल टू नाइन्टी ऐसा इसलिए पासविल नहीं है क्योंकि कास्त थीटा की वैल्यू क्या होती है एमएल अपान अंडर रूट एल एल प्लस वन जो कि हमेशा कम ही आएगी उससे इसलिए वो उससे एंटी पैल या पहले नहीं हो सकता है एक क्वेश्चन हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं भाई ओनली वन कंपोनेंट ऑफ एल क्वांटाइज एल का केवल जेड कंपोनेंट ही क्वांटाइज्ड क्यों लेते हैं एक और वाई कंपोनेंट को क्वांटाइज क्यों नहीं हम कहते हैं यल एक्स भी क्वांटाइज हो तो वहाँ एक नई क्वांटम नंबर आ जाए यल वाई भी क्वांटाइज्ड हो वहाँ एक नई क्वांटम नंबर आ जाए ऐसा क्यों नहीं कि केवल एल जेड को ही क्वांटाइज करते हैं उसके करिस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्टर्म पे बताएंगे हाइज़न वर्क अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से संबंधित है तो ठीक है बच्चों और हम वेक्टर एटम मॉडल की कॉन्सेप्ट लगभग लगभग बनाने वाले हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्पिन हम इसके बाद आपको अगले लेक्चर में एट सी उसको देंगे नाम और उसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन की कॉन्सेप्ट लेके आएंगे तब हमारा वेक्टर एटम मॉडल का क्लियर पिक्चर आएगा फिर जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है उसकी जो कांस एक इमेजिनेशन करके गाउड स्मिटर उहलिन बेट ने दिया उसके बाद में जो ईस्टर्न और गर्ले ग्रहले एक्सपेरिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन स्पिन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर देगा वो वही बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद हमको फोर क्वांटम नंबर्स मिल जाएंगी जो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करेंगी तो ठीक है बच्चों इसको पढ़ते रहिए और कोई प्रॉब्लम हो हमसे पूछते रहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए जितना ही आप क्वेश्चन पूछेंगे इंटरेक्शन करेंगे हमसे हम, हम समझेंगे आप उतना ही अच्छा पढ़ रहे हैं धन्यवाद बच्चों